अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू पिजन एंड बर्ड्स लवर रॉल पिंडी। तो प्यारे दोस्तों, आज हफ्ते का दिन है और डेट 7/10/2023 का दिन है। तो आज उड़ाने का मुझे दिल भी है, कबूतर को उड़ाना है भी है, और क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो ये एक दिन दो दिन हमें मिलता है जो जिससे हम अपना शौक़ को पूरा करते हैं। तो हमने कहा अपने दोस्तों को भी इस शौक़ में शरीक करें। और ये बच्चा सामने एक नीचे ऊपर से नीचे गिर गया, और वैसे तो है एक ही का बच्चा है लेकिन वो गिर गया है तो अभी ऊपर जाने की कोशिश में है, लेकिन अभी छोटा है जिसकी वजह से अगर वो जा नहीं रहा तो अभी हम कोशिश करते हैं कि वो कबूतर निकालें बाहर जिसको हमने उड़ाना है। तो चलें निकालते हैं और फिर आपको मैं दिखाता भी हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, ये मैंने बच्चा इसके ऊपर भी कर दिया, और इस दफ़ा 10 बच्चे निकले थे जिसमें अभी तक 5 बच्चा बच गए और 5 मर गए। उसकी वजह ये है कि इन्होंने सही फीड नहीं करवाया। तो ये मैंने बाहर निकाला है कुछ अपने कबूतरों को, जिसको आज मैं उड़ाने का शौक़ रखता हूँ। ये दोनों देखने रामपुरी जोड़े के बच्चे हैं, और ये भी दोनों घर के पट्टे हैं, ये भी घर का ही पट्टी है, इसके भी बच्चे हैं। लेकिन ये इसको भी आज मैं थोड़ा सा उड़ाऊंगा जितना खुद ही उड़े। तो एक ये कबूतर है, ये बूढ़ा कबूतर है, तो उड़ाते हैं। ये बस एक ही दफ़ा उड़ाया है, अब इनकी मर्ज़ी है कि ये उड़ते हैं कि नहीं उड़ते, क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए उड़ान के लिए। और वैसे ये उम्मीद है कि ये उड़ेंगे कबूतर मेरे। पांच कबूतर उड़ाए हैं जिनमें से 6 कबूतर उड़ाए हैं, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं आस्ता आस्ता ऊपर होते हुए। क्योंकि अक्सर ये दिन के वक्त उड़ जाते थे तो फिर शाम को इनको बिठाना मुश्किल होता था, फिर टॉर्च की रोशनी में इनको मैं बिठाता था। लेकिन तो आज मौका मिला, मैंने कहा क्यों ना आज इस टाइम उड़ाया जाए। तो ये अब बुलंदियों को छूते हुए, तो बाकी जो कबूतर हैं उनको भी खोल लेते हैं। उनके मैंने पर को काटा हुआ, क्योंकि ये भी ऐसे कबूतर है जो फिर सारे ब्रीडर कबूतर हैं जिनके बच्चे हैं, ज़ाया ना हो जाए, इसलिए मैंने इनके पर काट दिए। तो ये देखें, ये इसके दो बच्चे जो आपको मैंने दिखाए थे काले वाले, ये सामने। तो दोस्तों, कैसे परिंदे लगे हैं आपने कमेंट्स में बताना लाजमी, और ज़रूर बताना है। और ये बच्चे माशाल्लाह, ये मैं थोड़े से बड़े हो जाएँ तो इनका बाहर निकाल के वीडियो बनाऊँगा। और उम्मीद जिस भाई को पसंद आए वो हमसे कमेंट्स में रابطہ भी कर सकता है, फॉर सेल के लिए हमने लगाना है। तो ये देख लें, और पिंडी के ही लोग रابطہ करें ताकि वो मुझ तक पहुंच सके, ताकि क्योंकि ज़्यादा दूर मैं नहीं भेजता हूँ कबूतरों को, बस पिंडी या इस्लामाबाद के लोग रابطہ कर सकते हैं। ये बच्चे अभी छोटे हैं, और सारे वो बच्चे हैं जिनको आजमाया हुआ है, और काफ़ी बच्चे पहले भी मेरे आगे पीछे गए हैं जिन्होंने इस दफ़ा की फिरतों में बाजियों में शामिल भी हुए हैं, और अच्छा टाइम उन्होंने दिया, रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। तो दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर उनको कोई समझ है, अभी बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये 10-15 दिनों में बाहर जब आएंगे तो फिर मैं एक दफ़ा बनाऊँगा ज़रूर। तो दोस्तों, कबूतर जो है मेरे बिल्कुल आसमान पर जा चुके हैं, और शायद आपको अगर कैमरे की आंख दिखा सके, मैं ज़ूम करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा ये ज़ूम किया हुआ तब नज़र आ रहे हैं, ये गायब हो गए। और ये जो परिंदे बाहर आ रहे हैं,
ये भी एक कबूतर है, इसको मैंने नहीं उड़ाया क्योंकि ये अंडे पे बैठ रहा है, तो मैंने कहा अभी कच्चे पर होंगे। तो अपने दोस्त को इजाज़त दें आज के लिए इतना ही, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपना शौक़ हम शेयर करते हैं आप भाइयों के साथ, और आप लोगों के प्यार का यार हमें चाहिए होता है, इसलिए प्यार के लिए आप हमें लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो। तो ये देखें, ये एक जोड़ा है, ये घर की पट्टी है, और ये गिफ्ट आया था नारवाल से। तो इनके भी बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी दो बच्चे जो मैंने दिखाए इन्हीं के हैं, जिसको मैंने एक ऊपर किया था एक नीचे है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपने दोस्त को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।